अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं महा कुक्स और आज हम न्यू रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को एग और पोटैटो बहुत पसंद है, वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो आज हम बनाएंगे अफ़गानी ऑमलेट। ये रेसिपी बहुत सिमिलर है अंडे गुटाले की और हलीने की। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे, बच्चे स्पाइसेस खाते नहीं हैं तो उनको ये खिलाएं, वो बहुत मज़े से खाएंगे। स्नैक भी है, पोटैटो भी है और स्पाइस तो है ही नहीं। बच्चों के लिए तो बेस्ट है, जिन लोगों को स्पाइसेस नहीं सूट करते, जिनको स्टमक का प्रॉब्लम है, वो ये ट्राई करें, उनके लिए बेस्ट है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 स्मॉल साइज़ अनियन, इसको मैं चॉप कर दूँगी। इसको स्मॉल क्यूब में चॉप करना है, जैसे आप ऑमलेट में डालते हैं उसी तरह आप इसको काटेंगे। प्याज को यहाँ मैंने आलू लिए हैं 3 छोटे साइज़ के और इनको छील लूँगी। छीलने के बाद इनको मैं सर्कल शेप में कट करूंगी। आप चाहें आप क्यूब्स में भी कर सकते हैं। मैं इनको सर्कल या ओवल शेप में काटूंगी और थोड़ा पतला काटना है ताकि ये गल जाए। यहाँ पे आलू कट चुके हैं। अब यहाँ मैंने 3 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको भी मैं क्यूब्स में काट लूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन और उसका चूल्हा ऑन कर दिया है। अब पैन को थोड़ा मैं गर्म होने रख दूँगी। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा तो उसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पे लेना है 2 to 3 टेबल स्पून। ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पोटैटोज, जो कि मैंने सर्कल या ओवल शेप में काटे थे, उनको मैं ऐड कर लूँगी और उनको 3 से 5 मिनट तक के लिए फ्राई करूँगी इस ऑयल में मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे आलू को फ्राई होते हुए 5 to 6 मिनट हो गए। अब यहाँ पे ऐड करेंगे अनियन। अनियन को इतना फ्राई करना है कि सॉगी से हो जाए। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, इसमें थोड़ा कम ही रखें क्योंकि आलू में सॉल्ट अक्सर तेज़ हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है। यहाँ पे अनियन हो गए हैं सॉगी, तो अब मैं ऐड करूँगी टोमेटो। टोमेटो को अच्छी तरह से आलू में मिक्स कर लूँगी और हमें जब तक ये पकाना है जब तक टमाटर गल नहीं जाए और आलू भी गल ना जाए। अब यहाँ पे आलू को हम कवर करके पकाएंगे जब तक ये टमाटर ना पानी नहीं छोड़ देते और गल नहीं जाते। Thank you.
यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर क्वार्टर टी स्पून या हाफ टी स्पून। मैं यहाँ पे क्वार्टर टी स्पून ऐड करूँगी क्योंकि मैं इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड करूँगी। आपके ऊपर है इसमें रेड चिली पाउडर आप ऐड करें या ना करें, इस रेसिपी में होती नहीं है, लेकिन मैंने इसमें हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। दोबारा इसको कवर करेंगे और पकाएंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, जब तक आलू गल ना जाएं। आलू यहाँ पे हो गए हैं। अब मैं इधर ऐड करूँगी 2 eggs, आप चाहें तो 3 eggs भी ऐड कर सकते हैं। एग ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और जब तक पकाना है जब तक एग ना कुक हो जाए। अगर आपको जर्दी कच्ची अच्छी लगती है तो फिर आप उसके हिसाब से पकाएंगे। अब एंड में इसमें हरा धनिया छिड़क देंगे, उससे ये और प्यारा लगेगा। तो ये लीजिए, मज़ेदार से अफगानी ऑमलेट तैयार है। अब इसको आप कट करें और खाएं मज़े से, बच्चों को खिलाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।